अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सादात नगर इलाके में मुसलसिल अवाम को परेशानी हो रही थी। यहां पर ड्रेनेज का मसला था और पानी का भी बड़ा मसला है। हालांकि ये याकूतपुरा इलाका आता है, बावजूद इसके यहां पर कोई तरक्यात के काम नहीं हो रहे हैं और लगातार आवाम को परेशानी का ही सामना करना पड़ता है। यहीं के एक सामाजिक कारकुन अब्दुल रहमान ईईडीई से जाकर मुलाकात किए और आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए कैसे ऑफिसर एक ऑफिसर पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। यानी आवाम का जो मसला होता है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी ये अहदेदारों की है, लेकिन ये अहदेदार जब नहीं करते हैं तो इनकी तरफ से जो नुमाइंदगी होती है वो मजबूत होनी चाहिए, जैसे कि अब्दुल रहमान एक सामाजिक कारकुन की है। कैसे फौरन ये ऑफिसर मौके पर चलते हैं और तवक्कु दिलाते हैं कि 7-8 दिन के अंदर ये मसले को हल किया जाएगा, बड़ी खुशी की बात है। इस तरह से आवाम के मसलों को उठाने में ऐसे सामाजिक कारकुनों की जरूरत है। जरूरी है कि ऐसे सामाजिक कारकुनों को आगे रखें और आवाम की भीड़ में से ही ऐसे सामाजिक कारकुन बनकर आगे बढ़े। कोई एमएलए और कोई काउंसलर पर भरोसा ना रखें। हमारे मसलों को हम खुद हल करने लगेंगे तब हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाएगा और अब्दुल रहमान जिस तरह से आवाम के दरमियान रहकर काम कर रहे हैं आगे चलकर भी वैसे ही काम को बरकरार रखें। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। तो नॉमिनेशन पे काम दियो आप, का 1 लाख के अंदर का काम होता है, होता काम हो अभी चलो आप बात करके तसल्ली देने का काम न करो। मैं हिसाब से बात करने आया सर, आपसे बात करने आया। हमारे को काम होना है, मैं तो मैं पूरी जनाब कमीशन का 90 लेकर सो लूंगा। कमीशन को लाता हूं मैं। दो गलियों में इतनी परेशानी हो रही है, बता नहीं सकते आपको। पाइपलाइन होना साहब, छोटा छोटा एक आप दो पाइप, तीन पाइप डाल दिया बोले तो ये गली का ऑलरेडी मेजरमेंट ले लिए उसमें। आप इन्वर्ट में डाल के छोड़ दिए, जोनल का पेंडिंग है, बजट नहीं है, बल्कि मेरे को भी मालूम है। अब ये काम तो इमीडिएट कर सकते साहब आप, क्या तकलीफ है, एक बार चल के देखो। हम फायदा नहीं है, यहाँ से आप चलिए, यही नहीं आता साहब, यही को ट्रांसफर करो इमीडिएट। आपको यही नहीं होना, बस स्कैम करने वाला यही।